हरियाणा के सोनीपत जिला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मूर्थल स्थित ओमेक्स सिटी के फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। मृतक युवक ने 2 माह पहले ही गांव की लड़की से लव मैरिज की थी। मृतक के परिजनों ने लड़की पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक के पिता ने युवती के पिता समेत 6 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मृतक युवक के पिता ने बताया कि उसके बेटे ने 2 महीने पहले ही गांव की लड़की से लव मैरिज की थी और 20 दिन पहले लड़की पक्ष के पिता और उसके परिचितों ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसका बेटा डर गया और उसकी आज हत्या कर शव को लटकाया गया है। मृतक नीरज मूर्थल स्थित अमेजोन कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल थाना मूर्थल में इतला मिली थी कि BTL फ्लैट ओमेक्स सिटी में किसी नौजवान की फांसी लेकर मृत्यु हुई है। मैं और हेड कांस्टेबल सतीश मौके पर पहुंचे थे। जाकर घटना पे देखा तो एक फ्लैट नंबर 356 SF में एक नौजवान युवक की डेड बॉडी चुन्नी के साथ लटकी हुई। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था? फिर पता करा तो उसका पता मिला कि नीरज पुत्र महावीर RO टिकरी खुर्द दिल्ली का रहने वाला था और अमेजोन कंपनी में काम करता था। सर परिवार ने क्या शिकायत दी है? परिवार ने शिकायत दी है कि भाई इसने 2 महीने पहले हमारी मर्जी के खिलाफ एक लड़की से जो गांव की रहने वाली थी उससे शादी कर ली थी और उसी के कारण यहाँ रहने लग गया था। ये रेंट पे 356 नंबर फ्लैट में 20 दिन पहले हम इसको मनाने के लिए भी आए थे, समझाने के लिए दोनों को, परंतु लड़का समझा नहीं था। तो परिवार वालों ने उस लड़की के परिवार वालों के खिलाफ दरख्वास्त दी कि भाई इन्होंने मार के हमारा टांगा। लड़की के खिलाफ भी शिकायत दी? लड़की की शिकायत दी है। मामला दर्ज कर लिया? मामला दर्ज कर दिया गया, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और डेड बॉडी हवाले वर्षण कर दी गई। मृतक नीरज गांव टीकरी दिल्ली का रहने वाला है। मृतक के परिजनों की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। दामाद को एक बेटे का दर्जा दिया जाता है, मगर रिश्तों का मजाक बनाते हुए ऐसे मामले का सामने आना शर्म की बात है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV।